नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट। दोस्तों इसमें आपको 5100 mAh की बैटरी मिलती है और इसमें जो प्रोसेसर है मीडियाटेक का 8768T को यूज किया गया है। ये काफी लो एंड प्रोसेसर है। तो फिर भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर आपको इसमें गेमिंग करनी हो तो क्या आप इसमें गेमिंग कर सकते हो, और बैटरी ड्रेन कितनी होगी, किस तरह से हीटअप होगा। दोस्तों यहाँ पे जो ब्राइटनेस है मैंने यहाँ पे फुल रखी हुई है, इसका वॉल्यूम भी मैक्सिमम है और इसमें मैंने डॉल्बी एटमोस को ऑन किया हुआ है। दोस्तों बात करते हैं इसके ग्राफिक सेटिंग्स की जो आपको इसमें मिल जाती है टेबलेट में। तो यहाँ पे आप देखो कि ग्राफिक में आपको यहाँ पे ग्राफिक्स में बैलेंस रखने वाला हूं और मीडियम, क्योंकि यहाँ पे HD सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे मैक्सिमम आप बैलेंस और मीडियम फ्रेम रेट के साथ खेल सकते हो। तो मैं यहाँ पे बैलेंस और मीडियम यहाँ पे सेट करने वाला हूँ और यहाँ पे ओके करूंगा। और आपको वीडियो पूरा देखना है, अगर आप स्किप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ये वाकई जो टैबलेट है गेमिंग के दौरान लैग करता है, क्या आप इस टैबलेट में ये गेम खेल सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पे स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना ताकि आपको पूरी तरह से ये समझ आए। तो यहाँ पे मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे भी स्टार्ट कर दिया है।
दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 आवर 35 मिनट्स के लिए बैटल ग्राउंड मोबाइल खेला है, जैसे मैंने आपको बताया था सेटिंग्स में। यहाँ पे ग्राफिक में मैंने यहाँ पे बैलेंस्ड और मीडियम पे खेला है, जो मैक्सिमम मिलता है वही है। और यहाँ पे 1 आवर 35 मिनट्स के गेमिंग के दौरान यहाँ पे बैटरी लेवल अब बची है 69%, मतलब 31% बैटरी ड्रेन हुई है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर की, तो यहाँ पे टेम्परेचर 36 के ऊपर कभी भी गया नहीं गेमिंग के दौरान। तो यहाँ पे टैब जो है ज्यादा हीटअप होता नहीं है, फ्रंट में मैक्सिमम 36 था और बैक में मैक्सिमम 33-34 होता है, तो हीटिंग की इसमें कोई इशू नहीं है। हालांकि इसमें सेटिंग्स ही काफी कम मिलती है आपको, ज्यादा ग्राफिक्स के साथ आप खेल नहीं सकते, फ्रेम रेट भी कम ही होता है 30 के आसपास। तो यहाँ पे लैग मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे उतना स्मूथ एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता है। हालांकि आप प्ले कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो। दोस्तों अब हम यहाँ पे करेंगे फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग 10 मिनट के लिए। दोस्तों यहाँ पे 10 मिनट के लिए फुल HD रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है कैमरा में। और यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले टेम्परेचर की, तो क्या ये रिकॉर्डिंग के दौरान हीटअप होता है? तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर अब पहुँचा है 36.4 है फ्रंट में, और बैक में है 35 ऑलमोस्ट, और अब यहाँ पे बैटरी लेवल है 65। तो अब हम लास्ट में करेंगे YouTube में 1080p फॉर्मेट में एक वीडियो प्लेबैक 15 मिनट के लिए। दोस्तों मैंने टैबलेट को कंटिन्यूसली यूज किया 2 घंटे के लिए, और अब आप यहाँ पे देख सकते हो बैटरी लेवल है 58%, मतलब 100 माइनस 58, तो यहाँ पे 42% बैटरी ड्रेन हुई है 2 घंटे की यूसेज के दौरान इस टैबलेट में। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस तरह से जैसे मैंने यूज किया है उस तरह से अगर आप अपने टैबलेट को यूज करोगे, तो आप कंटिन्यूसली अपने टैबलेट को 4.5 घंटे तक यूज कर सकते हो, तो ये अच्छा बैटरी बैकअप है। दोस्तों बात करते हैं गेमिंग की, तो आप इस टैबलेट पे गेमिंग कर सकते हो। हालांकि आपको फोन की तरह 60 FPS वाला स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे 30 FPS पे गेमिंग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 घंटे से ज्यादा समय के लिए गेमिंग किया और मुझे कोई भी लैग या फ्रीज मैंने फेस नहीं किया, तो ये काफी अच्छी बात है, आप गेमिंग कर सकते हो। हालांकि स्मूथ नहीं, लेकिन आप गेमिंग तो कर सकते हो। दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल पे मैसेज भी कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।